आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। फटाफट खबरों की तरफ रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएंगे। पेपर लीक मामले में एसओजी का छापा मारा गया है। प्रदेश भर में एसओजी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। 21 जनवरी को सूचना सहायक की भर्ती परीक्षा जो है वो होनी है, और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक मामले से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता चले कि भजनलाल सरकार ने कहा था कि पेपर लीक से जुड़े जितने भी आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और अब बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि लगातार एसओजी की टीम जगह जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। प्रदेश भर में छापे मारे जा रहे हैं एसओजी की टीम की तरफ से, संदिग्धों के घर पर ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जिन पर संदेह है उनसे जुड़े लोगों के यहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फिर से 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोली में जाए, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता भी और जनता ने भी यह ठान लिया है। पीसीसी चीफ कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है, कई मुद्दे वो गिनाते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में इनका झूठ नहीं चलेगा? मुझे लगता है कि उनको